नहीं पर हमें मना रहे हो सुझाना। का? भगवान की कथा अति विचित्र है, भगवान की कथा विचित्र है और भगवान की कथा परम विचित्र है। इधर भोले बाबा कह रहे हैं कि देखो देवी, आपने इस चरित्र को नहीं समझा, अति विचित्र। भगवान की कथा इतने जल्दी कैसे समझ आए? सो जाने हिते हिते हो जनाई, जान तुम्हें तुम्हें है जाई। जब भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथा को समझ आ सकती है, तभी भगवान की कथा को समझ सकते हैं। बोले विचित्र कहाँ है? बोले विचित्र तो वही कथा है, कहो विचित्र कथा विस्तारी। कौन सी विचित्र? बोले ऐसे महाराज मनु और ऐसी महारानी सतरूपा, जिनके बेटा हुआ उत्तानपाद और उत्तानपाद का भी बेटा यानी पौत्र वो भगवान का भजनानंदी संत, वो भी भक्त। धन्य है वो महाराज मनु जिनकी बेटी देवहूति पुनिता सुकुमारी, उनके भी पति कर्दम ऋषि और इनके यहाँ भक्त का जन्म नहीं हुआ। बोली बेटी के यहाँ जो बेटा हुआ वो तो साक्षात भगवान हुआ, जिनका नाम कपिल देव है। बोले ऐसे मनुजी महाराज को भी चिंता है, ऐसे मनुजी महाराज भी मुंह लटकाए बैठे। जब मुंह लटकाए मनुजी बैठे, देवादिदेव महादेव मैया पार्वती से कह रहे, देखो देवी यही है भगवान की कथा की विचित्रता। भैया पार्वती ने कहा, बाबा यही तो समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा था देवी अति विचित्र रघुपति चरित, तुम तो नहीं समझ पाई, लेकिन मैया भवानी ने कहा, प्रभु अगर बात बताओ, अगर ये सत्य उल्टी नहीं चलती तो हमारे देश के सभी भगवान के भक्त सीधे चलते आज। एक माँ अपने बेटों को सीधा चलाने के लिए उल्टी चलती है कि नहीं? जब बेटा छोटा होता है और माँ अपने बेटे को चलना सिखाती है तो माँ उल्टी चलती है, तब बेटा सीधा चलता है। माँ उल्टी पीछे चल करके बेटा को सीधा चलाती है। तो भैया भवानी कह रही है भोले बाबा से, प्रभु आप कह रहे हो कि तुम्हारा चरित्र अति विचित्र है, अगर ये सती उल्टी सती बनकर उल्टी ना चलती तो आज के देशवासी भी, ये भारत देश के प्रेमी श्रोता भी कहते कि हम भी कैसे मान लेते कि जो चलते फिरते लता पत्राओं से पूछते थे कि मेरी जानकी कहाँ है, तो हम और आप भी धोखा खा सकते थे। इसलिए मैं अपने प्यारे बेटों को सीधा चलाने के लिए मैं खुद उल्टी चल गई। आपने कहा अति विचित्र है ये चरित्र, लेकिन बाबा एक बात बताओ, मैं तो जानबूझ करके चली और यही याग्निक जी महाराज महाराज भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, ये तो जानबूझ करके, ये तो संशय कीन। बोले अगर ऐसे करे संशय कीन भवानी महादेव, तब कहा मखानी। तो महारानी भवानी ने कहा, प्रभु लेकिन एक बात बताओ, ये मुंह लटकाए बैठे हैं मनु जी, इनकी बात समझ में नहीं आ रही, ये क्यों इतने उदास है? इनके यहाँ तो इनकी बेटी के बेटा साक्षात भगवान है, इनकी बेटी के बेटा तो साक्षात भक्त ब्रह्म है, जिन्होंने 5 महीने में 5 वर्ष की आयु में और 5 महीने में साक्षात ठाकुर जी को प्रकट करके ठाकुर जी की गोद में बैठ करके प्रभु का प्रेम प्राप्त किया, तो ऐसे उदास क्यों है? बोले चलो उन्हीं से जाकर के पूछे। मनु जी से जाकर के पूछा, बाबा एक बात बताओ महाराज, आपको इतना बड़ा आपका राज्य, इतना बड़ा आपका परिवार और ये सारा संसार, जो हम और आपका जन्म हुआ है तो हम सभी कहते हैं हम मनु की संतान है। मनु अल सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भू मनु अल सतरूपा, आपको तो सब कुछ प्राप्त है लेकिन आप इतना अपना मुंह लटकाए उदास क्यों बैठे हैं? तो मनुजी महाराज ने कहा, एक बात बताएं, हम आप कह रहे हो कि आपको क्या नहीं मिला, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे सब कुछ मिला है, मुझे इस जीवन में हर एक वस्तु मिली है, हर एक चीज मिली है, लेकिन ये हर एक वस्तु देने जो वाले हैं वो अभी तक नहीं मिले।
मिले हैं, जिनकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, अगर वो मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, उनको कैसे प्राप्त करें। तो मैया सतरूपा बगल में बैठी, सतरूपा ने कहा आप इतने चिंता क्यों कर रहे हो, तो आपके पास उपाय भी होगा। मनु जी महाराज ने कहा सुनो देवी, अब विषयों से वैराग्य हो नहीं रहा, वासना में मन प्रवृत्त है, होए न विषय विराग भवन बसंत का चौथा पन चल रहा है देवी। इस भवन में रह करके इन विषयों से वैराग कैसे हो, इन विषयों से वैराग नहीं होता, इस वासनाओं में लगा हुआ है मन हमारा। सतरूपा जी बगल में रहती, सतरूपा ने कहा प्रभु एक बात बताएं, आप कह रहे हो कि मन विषयों में है, मन वासना में है, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मन को वासना से हटाकर अगर आप अपने मन को उपासना में लगा देंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। बोले अगर उपासना में लगाए तो कैसे लगाए, बोले चलो चल करके चलते हैं। कहा बोले राज्य किसे सौंपे, बोले बेटों को सौंप दो। बेटे से कहा देखो भैया ये राज ले लो। बेटों ने कहा देखो हमें नहीं चाहिए कुछ, पिताजी आप ही करिए, चौथा पन चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है, पिताजी अपने बेटे को जबरदस्ती राज दे रहे हैं, धन्य है श्री रामचरितमानस, बेटा राज ले नहीं रहा है, पिताजी जबरदस्ती दे रहे हैं। और आज के समय में बोले पिता दे नहीं रहे हैं और बेटे खींच रहे हैं, बेटे ले रहे हैं, अगर पिता ना दे तो गाली दे रहे हैं, अगर पिता ना दे तो चाबी जबरदस्ती से छीन करके अपने पिता को भला बुरा कह रहे हैं। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात है, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात है।